नमस्कार। माता का आचल पाठ लिखा है श्री शिव पूजन सहाय ने। इस पाठ में यह बताया गया है कि माँ बच्चे की जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से उसे अधिक प्यार और दुलार करती है। वह पिता की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ जाती है। माँ का अपने बच्चों से आत्मिक प्रेम होता है, यानी वह आत्मा से अपने बच्चों के साथ प्रेम करती है। बच्चा चाह कर भी माँ की ममता को नहीं भुला पाता है। यह बात सच है कि एक पिता बच्चों को अधिक प्यार तो दे सकता है, लेकिन माँ का स्थान वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यही इस पाठ माता का आंचल एक उपन्यास जो है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित है, उसका यह एक अंश है। और इस पाठ में लेखक ने माँ के आंचल के ममता के साथ साथ गांव की संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। समाज में युवा वर्ग मौज मस्ती में रहते हैं और बुजुर्ग लोग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करते थे और वे लेखक और उसके भाई को भी साथ में बिठा लिया करते थे। अधिकांश समय वो अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिताजी उनके माथे पर भुभूत होती है, राख बच जाती है, जो अगरबत्ती या पूजा की बत्ती जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसे भभूत कहते हैं, उसका तिलक उनके माथे पर लगा देते थे और उन्हें भोलानाथ यानी शिव जी कह करके पुकारते थे। रामायण का पाठ करने के बाद दोनों भाई शीशे में अपना मुंह देखते थे और इसके पिताजी बाबूजी अपनी रामनामा बही पर हजार बार राम नाम लिखने की बात करके पोथी के साथ बंद कर देते थे। बाद में उस पोथी को मछलियों को आटे में मिला करके खिलाया जाता था और जब वो आटा खिलाते थे मछलियों को तो दोनों उनके कंधों पर बैठकर हंसते रहते थे। ऐसे ही खेल खाल में वे कभी कभी बाबूजी के साथ कुश्ती भी कर लिया करते थे। हंसी मजाक में उनकी लंबी लंबी मूंछ के साथ खेलना, उन्हें प्यार से चूमना और अपने पिताजी के साथ बहुत ही प्रेम से खाना खाना, उनके पिताजी उन्हें हाथों से खाना खिलाया करते थे। लेखक और उनके बड़े भाई के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर ये सब नाम लेकर के टुकड़े बना करके उन्हें दही भात खिलाती थी। खाना खाने के बाद वो बिना कपड़े पहने ही बाहर दौड़ जाते थे और कभी कभार माँ उन्हें पकड़ ले तो उनकी चोटी गूद देती थी, कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें बाहर भेज देती थी और वे रोते रोते बाहर आ जाते कि माँ ने क्यों पकड़ा, और आते ही बालकों के झुंड में मौज मस्ती करने लग जाते थे। चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूड़ी, मिट्टी की जलेबियाँ, बच्चे जैसे खिलौने बनाया करते हैं, सब मिट्टी का सामान बनाते थे। तिनकों का छप्पर बनाते, दातून के उसमें खम्भे लगाए जाते, घर में जो घर बनाया जाता था मिट्टी का, और दिया जो होता है जिसे हम दीपावली पे जलाते हैं उस दिए की कढ़ाई बनाई जाती थी। घर बना करके उसमें सब एक पंक्ति में बैठ जाते, बच्चे एक लाइन लगा करके बैठ जाते और बाबूजी भी उनके पास चले आते थे। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे जिसमें एक पीपे में आम के पौधे की शहनाई बजती और टूटी हुई चूहे दानी जो होती है उसकी पालकी बनकर के बकरे पर सवार होकर के बारात निकाली जाती और सभी मित्र मंडली मिलकर के नाटक किया करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती मित्र मंडली इकट्ठी होकर के खेती करने लगती और वे नए नए नाटक प्रतिदिन खेलते थे और जब उनकी पालकी आती दूल्हे की तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे।
एक बार बूढ़े वर ने खदेलकर लेखक मंडली को ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर उन्होंने चिढ़ा दिया, तो उन्होंने तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा मारा। उसके बाद मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां चार लड़कों से बैजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ते हुए पहुंचे और गुरुजी से विनती की कि इन्हें छोड़ दिया जाए, और उन्हें घर लेकर के आ गए। रोना धोना भूलकर वो फिर से मित्र मंडली के साथ खेलने लगे। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर के राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खालो चिरई भर भर पेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी और अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी कि चूहे के बिल में क्या निकला, सांप निकल आया, और उन्हें बहुत डर लगा। सांप को देख करके उन्हें बहुत डर लगा और वे रोते चिल्लाते वहां से भाग चले। गिरते फिसलते खून से लथपथ हो गए और अपने अपने घरों में चले गए। यह वह समय था जब उनके बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे और वो डर करके अपनी माँ के पास जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। जब वो डर जाते हैं और डर से कांप रहे होते हैं, तो लेखक की माँ पूछती है कि क्यों रो रहे हैं, और ऐसा होता देख करके वो खुद भी रोने लग जाती हैं। बहुत बेचैन हो जाती हैं वो जानने के लिए, और उन्हें कभी अपने आंचल में छुपाती हैं तो कभी प्यार करने लगती हैं, और साथ ही उनके घावों पर लगाने के लिए हल्दी लेकर के आती हैं। दोनों भाइयों के घावों पर हल्दी लगाई, उन्होंने अपनी हाथ से हल्दी लगाई। उनका शरीर कांप रहा था, आंखें चाहकर भी खुलती ना थी। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वो अपनी माता के आंचल में ही छुपे रहे। इस पूरे पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे पिता के कितना भी साथ रह लें, लेकिन माँ का प्यार अलग ही होता है। जब उन्हें कोई दुख तकलीफ होती है तो वो माँ के आंचल से बाहर आना पसंद नहीं करते थे। प्रस्तुत पाठ में माता पिता का वात्सल्य जो है वो सजीव रूप से बताया गया है, बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है। एक बिंब प्रस्तुत करता है हमारे सामने की किस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, तिलक लगाते थे, फिर माँ के आंचल में क्या है, प्रेम है, शांति है, और लेखक और लेखक का भाई किस प्रकार से बिहेव करते हैं और अपनी जो उनकी क्रीड़ाएँ हैं, बाल लीलाएँ हैं, उनके माध्यम से माता पिता के प्रेम को यहाँ प्रकट किया गया है। इसमें बच्चों की दुनिया रची गई है, उसमें सबके बचपन की दुनिया अलग अलग होती है। गांव में कुछ अलग तरह के खेल होते हैं, बच्चे जो यहाँ पर खेला करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है।